जब भी मैं अपनी वीडियो के कमेंट्स चेक करता हूं तो हर दूसरा तीसरा कमेंट्स इसी के बारे में होता है कि रीडिंग पर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो फुली रीडिंग पर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त स्टोरी लेकर आया हूं जिससे तुम अपनी रीडिंग इम्प्रूव तो करोगे और साथ में नए वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखोगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो का एक भी पार्ट गलती से भी मिस मत कर देना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन। हमारे कहानी का नाम है माया द बी स्टोरी, माया मक्की की कहानी। In a beautiful forest, एक खूबसूरत जंगल में there lived a small and hard working bee named Maya. Maya नामी एक छोटी और मेहनती मक्की रहती थी। Maya was not only diligent, Maya न सिर्फ मेहनती थी but also naturally curious, बल्कि इसकी फितरत में तजस्सुस भी था। Always trying to learn new things, और वो हमेशा नए चीजें सीखने की कोशिश करती थी। वन डे एक दिन माया वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट विद हर फ्रेंड विली। माया अपने दोस्त विली के साथ जंगल में घूम रही थी व्हेन शी सडनली हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, के अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। माया से टू हर फ्रेंड्स, माया ने अपने दोस्त से कहा, लेट्स सी, चलो देखते हैं वियर दिस साउंड इज कमिंग फ्रॉम, ये आवाज कहाँ से आ रही है। बोथ ऑफ देम फॉलोड द साउंड, वो दोनों आवाज की तरफ चल पड़े। बिहाइंड द साउंड वॉज अ लार्ज फ्लावर, आवाज के पीछे एक बड़ा फूल था विद अ ब्यूटिफुल मैजिकल ट्रीजर हिडन इन साइड, जिसके अंदर एक खूबसूरत जादुई खजाना छुपा हुआ था। But to obtain the treasure, they had to solve a difficult puzzle. लेकिन खजाना हासिल करने के लिए एक मुश्किल पहेली हल करनी थी। Maya, along with her friend, tried to solve the puzzle. Maya ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहेली हल करने की कोशिश की। They examined the various signs around the flower. उन्होंने पुल के आसपास के मुख्तलिफ निशानात का जायजा लिया। एंड एवेंचुअली सॉल्व्ड द पजल, और आखिरकार पहेली को हल कर लिया। व्हेन द ट्रीजर ओपन्ड, जब खजाना खोला, इनसाइड वाज अ लार्ज बोटल ऑफ हनी, तो अंदर शहद की एक बहुत बड़ी बोतल थी। माया एंड विली टुक दिस हनी बैक टू देयर हाइव एंड शेयर्ड इट विद ऑल देयर फ्रेंड्स। माया और विली ने इस शहद को अपने छत्ते में ले जाकर अपने तमाम दोस्तों के साथ बांटा। एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर, सबने मिलकर जश्न बनाया एंड प्रेज्ड मायास ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस, और माया की बहादुरी और अकलमंदी की तारीफ की। सो फ्रेंड्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी, माया स्टोरीज टीचेस अस, माया की कहानी हमें सिखाती है That if we have courage, के अगर हम मेहनत करें and work together, और मिलकर काम करें, we can solve any problem, तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। And working with friends make the joy even greater, और दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से खुशी और भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको vocabulary नहीं आता तो भाई English सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वोकेबलरी वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो इस पर मैंने एक कोर्स शुरू किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा 4000 वोकेबलरी वर्ड्स। अगर आपको भी वोकेबलरी सीखना है और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, जिससे आप और भी बढ़िया वोकेबलरी वर्ड्स जान सकते हो।